कि ब्रॉड ड्रामा में सत्य का साथ देना अर्थात सत्यनारायण का साथ देना। तो सत्यनारायण का साथ तो देना ही है। अरे ब्रॉड ड्रामा में याद रहेगा कि सत्यनारायण कौन है? याद रहेगा तो याद, बाकी तो बात ही नहीं है। ये बात कहां की है कि सत्यनारायण का साथ देना है? कहां की बात है? संगमयुग की बात है। साथ तो देना ही है, पर जब वो तमो प्रधान बनता है तो तमो प्रधान बनने पर झूठा भी बनता है, माने राम सो रावण भी बनता है, तब उसका साथ देना है। क्या ये अच्छी बात है? हैं? साथ देना है या नहीं देना है जब तमो प्रधान बनता है? हैं? नंबर वार सभी वैसे ही बनाएंगे। अच्छा अच्छा, हप हप, कड़ुआ 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 कड़ुआ, तू तू। अगर लक्ष्मी ये सोच ले कि जो सत्यनारायण का पार्ट है, सतो प्रधान पार्ट है, तब तक साथ देना है, और जब रजो प्रधान तमो प्रधान बनेगा तो मैं साथ नहीं दूंगी, तो 84 जन्म तक एक पतिव्रता नारी रहेगी? नहीं रहेगी। इसलिए भारत में ये मान्यता है कि जब शादी होती है तो पत्नी से कहलवाया जाता है कि पति के जीवन में जीवन पर्यंत साथ देना है। ये नहीं कहा जाता जब पति दुखी है, तमो प्रधान है, बुढ़ा है, तो उसका साथ नहीं देना है। तेरे कांटों से भी प्यार, तेरे फूलों से भी प्यार। कांटे पैदा करता है, रुद्रमाला पैदा करता है, तो उसकी भी पालना देनी है। जो रुद्रमाला की पैदाइश होती है, रोते रोते जो बच्चे पैदा होते हैं, वो तमो प्रधान पैदाइश है या सतो प्रधान पैदाइश है? वो तो है ही तमो प्रधान पैदाइश। कोई कहे हम उनकी पालना नहीं करेंगे, हम तो अच्छे अच्छे फूलों की पालना करेंगे। तो ये सत्यनारायण का साथ देना नहीं हुआ। सत्यनारायण से ज्यादा कोई ज्ञानी हो सकता है? है? वो तमो प्रधान बने चाहे सतो प्रधान बने, दुनिया तमो प्रधान बनेगी तो तमो प्रधान दुनिया कांटों की दुनिया के साथ कांटा बनना पड़े या नहीं बनना पड़े? कांटे से कांटा निकाला जाता है कि कांटे निकालने के लिए फूल लगाओगे? हैं? कांटा ही लगाना पड़ेगा। अगर कांटे से कांटा न निकाल करके फूल लगा दिया तो फूल का सत्यानाश हो जाएगा या कांटे का सत्यानाश होगा? फूलों का सत्यानाश हो जाएगा। ये जो विधर्मी आत्मा है ना, उनकी बुद्धि टेढ़ी मेढ़ी चलती है। अरे जब डिक्लेयर हो गया कि सत्य ये है, तो सत्य की परिभाषा एक ही जानेगा या सारी दुनिया जानेगी? एक ही जानेगा। और वो एक जब आता है तो एक ही मुकर्रर रथ नियत बनाता है, वो ही सत्य असत्य का निर्णायक है, वो ही धर्मराज कहा जाता है, वो ही चीफ जस्टिस है।
जैसा देश वैसा भेष अपनाना पड़ता है, नहीं तो सफलता नहीं मिल सकती। लोहे से लोहा काटा जाता है और विष से विष मारा जाता है। गड़े में दो चार बूंद पड़ा हुआ है विष, और उसको मारने के लिए दूध डाल दो, पूरा भर दो घड़ा, तो दूध बन जाएगा है? बिल्कुल दूध नहीं बनेगा। इसलिए ये तो एक ही आत्मा है जो 84 जन्मों में भी असत्य के साथ संघर्ष करती है। वो जानती है सत्य क्या है और असत्य क्या है।